हमारे लिए थोड़ी विषम है, सबको साथ रहना है और बिना किसी डर के, बिना सरकार गिरने के भय के साथ हमको सबको एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। कितने विधायक आए थे वहाँ पे? 94 से अबव थे, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है क्योंकि सबने अपनी अटेंडेंस पे साइन किया था, कुछ लोगों ने पहले किया तो मैं 94 तक का तो देख पाई थी। मैम ये कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों ने लिखित रूप से इस्तीफे की पेशकश की है? नहीं, दूर दूर तक नहीं, ये बेकार बात है। ये मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, आप लोग जो बता रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं वो पता है कि इस्तीफे हुए हैं। हाँ, ये बार हमें पता चला है कि भूपेंद्र सिंह जी जो है वो शायद प्लेन से लेकर आए हैं उनके इस्तीफे, ये बार मुझे जानकारी है। उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है लगातार? ऑपरेशन लोटस के बाद कहां मात खा गए आप? जब ऑपरेशन लोटस नहीं हो चुका था उसके बाद अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया, अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया, सिंधिया जी ने जिन पे भरोसा करके बैठे थे उन्होंने ही धोखा दे दिया। जब अपने ही यदि धोखा दे रहे हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? क्या दोबारा आप लोगों के लिए बैठक के लिए और दिल्ली भोपाल में रहने के लिए? भोपाल में सबको यही बोला गया कि आप लोग फ्री है, अगर भोपाल में रहना चाहें भोपाल में रहिए, बाहर जाना चाहें बाहर जाइए। अभी वो अपने अनुसार हम क्या कह सकते हैं, सुरक्षित है तो वापस आइए अपने घर लौट कर। एग्जिट मुझे नहीं पता, 94 तक का तो मैंने देखा है, उसके बाद 94 तक का तो मैंने देखा, उसका सारे थे सर मैडम आपके पास? प्रदीप जायसवाल जी थे, शेरा जी थे, दोनों थे। बिना जी ये क्या स्थिति, क्या सरेंडर करने वाली है सरकार के साथ? सरकार नहीं, ऐसी कोई दूर दूर तक स्थिति नहीं है, दूर दूर तक जाने तक सरकार रहनी है, 16 मार्च तक सवाल ही नहीं उठता। अभी राज्यसभा का नामांकन होना है 13 को, तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फ्लोर पे जाएंगे, ये तो सब विधानसभा के दौरान ही पता चलेगा आप लोगों को, देखिए किसी को चोट ना आ जाए। बीजेपी कोशिश में है।